हेलो मेरा नाम है सिंस्टर, आप देख रहे हैं टेक बार। आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 8 प्रो वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M30s के बारे में। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आज वाला कंपैरिजन देखने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा फ़ोन पिक करना चाहिए अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं इस दोनों फ़ोन की परफॉर्मेंस से, क्योंकि ये सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ जाता है। अगर मैं बात करूँ रेडमी नोट 8 प्रो की, तो यहाँ पर हमें मीडिया टेक G90T चिपसेट देखने को मिल जाता है, और वहीं पे सैमसंग के M30s के अंदर हमें एक्जनस 9611 देखने को मिल जाता है। चलो बेंचमार्क्स को एक बार साइड में रखते हैं, और मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करते, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं इतना आप लोगों को क्लियरली बता सकता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा गेमिंग वाला फ़ोन चाहिए हो तो वो रेडमी नोट 8 प्रो है। इसका चिपसेट बहुत अच्छा काम करता है, और सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें HDR आप गेमिंग भी कर सकते हो, और जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लेकर आती है। बट हाँ, इतना ही बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं रेडमी वाले फ़ोन में, थोड़े बहुत नहीं, थोड़े ज़्यादा ही देखने को मिल जाते हैं। बट स्टिल अगर आपको 2 या 3 घंटे तक गेमिंग करनी है तो आप इस वाले फ़ोन में बहुत अच्छी कर सकते हो। बट अगर आप गेमिंग नहीं करते तो वहाँ पर M30s आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जिसका एंड्रॉयड सिस्टम है, जो वन UI हमें देखने को मिलती है, उसके अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं और बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है ये। इसकी रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है सैमसंग वाले फ़ोन की, ज़्यादातर ऐप्स रहती है रैम के अंदर, और ऊपर से एनिमेशन, आइकन या एड्स तो दोनों ही फ़ोन में देखने को मिलते हैं, बट इसके अंदर थोड़े से मुझे कम देखने को मिले। तो जो एक ओवरऑल एंड्रॉयड ऑप्टिमाइजेशन होती है, फिर एक्सपीरियंस होता है, जो फ़ोन को यूज़ करने में स्मूथनेस फील होती है, वो सैमसंग M30s के अंदर ही आती है। तो सीधी सी बात है, अगर गेमिंग करते हो तो रेडमी पिक कर लो, और अगर आपको एक अच्छा डे टू लाइफ के अंदर जो ऑफिस वाले बंदों के लिए अच्छा रहता है फ़ोन, मेरे हिसाब से वो M30s रहेगा। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिर से, HDR, और HDR होने की वजह से ना दोनों फ़ोन में बहुत ही बड़ा डिफरेंस निकल कर आया है। अब मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ थोड़े बहुत डिस्प्ले के एक्सपीरियंस। ऐसा होता है कि आज से पहले ना ऑन पेपर की बात करूं, जैसे कि किसी भी फ़ोन के बारे में मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, तो मैं सीधा देखता हूं कौन सी स्क्रीन टाइप है, एमलेड है, IPS LCD है, क्या है। आज मैंने ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा सैमसंग को लेकर बायस था, क्योंकि मुझे लगता था कि एमलेड स्क्रीन ऑब्वियसली बेटर ही होगी, क्योंकि ये ज़्यादा महंगी आती है, इसके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। बट आज मैं थोड़ा सा मैंने एक चीज़ नहीं नोटिस करी कि अगर आप कोई भी HDR वीडियो देख रहे हो, और ये जैसे Redmi Note 8 Pro HDR सपोर्ट करता है, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, सैमसंग के एमलेड से भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो मैंने एक वीडियो चलाई, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट, अच्छे से शार्पनेस और हाईलाइट्स को भी अच्छा मैनेज हमारे Redmi Note 8 Pro ने किया है, और ये चीज़ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हुआ था। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ सैमसंग के फ़ोन के बारे में, इसमें एमलेड डिस्प्ले देखने में मिलती है, तो इसका एडवांटेज ये है कि इसके व्यूइंग एंगल्स फार फार बेटर है Redmi वाले फ़ोन से। तो ऐसा लगा लो, अगर आप ऐसे भी बिल्कुल कॉर्नर से भी स्क्रीन को देखते हो सैमसंग की, तो बिल्कुल क्लियर दिखता है। और यही इसमें IPS LCD डिस्प्ले देखने में मिलती है Redmi के फोन में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है अगर आप कॉर्नर से देखते हो तो। ये मेन मेरे को डिफरेंस देखने को मिला, बट जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई भी गेम है और वो HDR सपोर्ट करता है, तो ट्रस्ट मी, आप में से भरोसा कर लो कि भाई Redmi के फ़ोन में वो चीज़ बेटर नज़र आती है। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि अब हमें ऑन पेपर चलना पड़ेगा, और सैमसंग के हमेशा से किंग निकल कर आया, और ज़्यादातर जो है हम HDR कंटेंट नहीं देखते फ़ोन पर, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं स्टिल, मुझे कोई एक विनर पिक करना हो तो भाई मैं सैमसंग M30s ही करूँगा। बट मेरे हिसाब से Redmi बहुत थोड़ा सा ही नीचे है, क्योंकि इसके कलर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करी गई है Xiaomi के इंजीनियर्स की तरफ से। और अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन की डिज़ाइन के बारे में, और यहाँ पर तो मेरे हिसाब से मैं सीधा बोल सकता हूँ कि Redmi Note 8 Pro का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका जो ग्लास बॉडी है, मतलब मैं तो ग्लास बॉडी पसंद करने वाले बंदों में से हूँ। काफ़ी लोगों को जो है प्लास्टिक अच्छा लगता है, क्योंकि वो टूटता नहीं है, ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है, ज़्यादा टेंशन नहीं रहती बंदों को, तो हाँ वो एक पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात आ जाती है। बट मेरे को Redmi Note 8 Pro बहुत ही अच्छा लगा देखने में। एक तो Redmi का जो एक कलर है वाइट वाला, ये कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम लगता है, और ऊपर से 4 कैमरे बैक साइड में जो कि मिडल में रखे हुए हैं, और कर्व्ड बैक पैनल जो है, ये सारी मुझे OnePlus की याद दिलाता है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रीमियम फ़ोनों में से आ जाता है। तो इसलिए इसकी तरफ से थोड़ा सा मतलब लुक्स के मामले में तो मैं बायस हो सकता हूँ। बट अगर मैं बात करूँ M30s के बारे में, तो यहाँ पर मैं ये बता सकता हूँ कि इसका जो प्लास्टिक है वो हाई क्वालिटी प्लास्टिक तो नहीं है, थोड़ा सा अगर आप इसको ज़ोर से पकड़ते हो तो ये सुन के देखो, ये थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे जाती है, तो इससे पता लगता है कि हाँ क्रैकलिंग सी साउंड आती है, तो ये बेस्ट मटेरियल तो नहीं है। बट स्टिल इसके पीछे रीज़न ये है यूज़ करने का, क्योंकि इसके अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि फ़ोन को बहुत ज़्यादा हैवी बना देती है, और अगर हैवी मटेरियल भी यूज़ कर लिया होता बैक पैनल में, तो ऑटोमेटिकली फ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, उसको कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ सैमसंग ने ऐसा क्यों किया है। बट अगर मैं बात करूँ जो जनरल फंक्शंस होते हैं जो हर कोई मांगता है, जैसे कि ट्रिपल स्लॉट, मतलब आप 2 SIM और 1 microSD कार्ड लगा सकते हो, तो हमें वो
दोनों फ़ोन में देखने मिल जाता है। स्पीकर्स की बात करूँ तो मुझे Redmi Note 8 Pro के स्पीकर्स थोड़े से ज़्यादा बेटर लगे। हेडफोन जैक का आउटपुट भाई मुझे सैमसंग का बेटर लगा, क्योंकि मेरे को है ना सैमसंग की जो साउंड सिग्नेचर होता है वो ज़्यादा बेटर लगता है। सेंसर्स हमें दोनों फ़ोन में सारे देखने को मिल जाते हैं, और ईयरपीस की बात करूँ दोनों फ़ोन के बहुत ही अच्छे है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो कि जनरल लोग डिमांड करते हैं वो हमें दोनों फ़ोन में बिल्कुल इक्वल देखने को मिल जाती है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर हम लुक्स को देखकर चले तो मेरे हिसाब से Redmi Note 8 Pro आपको ज़्यादा पसंद आने वाला है ओवरऑल फीचर्स से। मेरे हिसाब से डिज़ाइन में Redmi का जीतना बनता भी है, क्योंकि इसके अंदर और दो एडिशनल बेनिफिट है। एक, इसके अंदर हमें LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है और IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, वही सारी चीज़ें सैमसंग में नहीं है। तो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन में हर जगह पे चाहे फीचर्स हो चाहे लुक्स हो Redmi बेटर निकल कर आता है। और सिक्योरिटी की बात करता हूँ, हमें दोनों फ़ोन में फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है। बट हाँ, दोनों का जो स्पॉट है वो काफ़ी ऊंचा है, तो अगर आपके बड़े हाथ है तो आप ईजिली दोनों को एक्सेस कर सकते हो। तो हाँ, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। बाकी वाइड बैंड L1 तो हमें दोनों ही फ़ोन में देखने मिल जाता है, और आप आराम से Amazon प्राइम वीडियोज़ या फिर नेटफ्लिक्स पे अपने कंटेंट को देख सकते हो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के कैमरे के बारे में, और मेगापिक्सल को एक बार साइड में रखते हैं। वैसे तो जो Redmi Note 8 Pro है वो 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आते हैं मेन कैमरा जो है, और ये जो सैमसंग है वो 48 में आता है। बट इतना ज़्यादा जूम करने का फ़ायदा भी नहीं है, दोनों में जूम करने में क्वालिटी रहती है ऐसा मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। बट अगर मैं कैमरा UI के बारे में बात करूँ तो भाई दोनों फ़ोन की बहुत अच्छी है। बट ये है कि सैमसंग में एक दो फीचर्स थोड़े से बेटर देखने मिल जाते हैं, जैसे कि सुपर स्टेडी मोड जो कि काफ़ी स्टेबल वीडियोज़ रिकॉर्ड करता है, और वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है। आप लोगों को मैं कैमरा सैंपल दिखाता हूँ, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये थोड़ी बहुत डेलाइट शॉट्स है। एक चीज़ तो मैंने नोटिस करी कि कुछ कुछ लाइटिंग कंडीशन में Redmi बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और ज़्यादातर जो है वैसे सैमसंग तो कंसिस्टेंट रहता है, सैमसंग कभी भी बुरा परफॉर्म नहीं करता। बट ये कि कभी कभी Redmi बेटर परफॉर्म कर जाता है कुछ कुछ फोटोज़ में, ये मैं कह सकता हूँ कि Redmi का कैमरा बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। लो लाइट के अंदर ये मुझे सैमसंग ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि भाई Redmi के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि मैंने बोला था अपने Redmi Note 8 Pro के रिव्यू के टाइम पे कि इसको मैं थर्ड नंबर की पोजीशन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेकंड नंबर पे M30s ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसके जो कलर्स है, जो शार्पनेस है, पोर्ट्रेट मोड है, वो सारा M30s का मुझे बेटर लगा। बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ वीडियोस के बारे में तो M30s के अंदर ना एक एक्स्ट्रा ऑप्शन तो देखने को मिल जाता है सुपर स्टडी का, बहुत ही स्टेबल वीडियोज़ रिकॉर्ड होती है। बट एक थोड़ी सी दिक्कत है, Redmi के फ़ोन में कलर्स थोड़े से बेटर आते हैं, ये एक्सपोजर से ज़्यादा मैनेज कर लेता है। तो हाँ, मेरे हिसाब से दोनों जो है वीडियो के मामले में बेस्ट तो नहीं है, बट हाँ वर्स्ट भी नहीं है। मैं अभी भी Realme XT को बेटर बताऊंगा कैमरे के अंदर, अगर आपने वो फ़ोन नहीं देखा है तो आप उसको चेक कर सकते हो। और अब लास्ट बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के बैटरी के बारे में, और यहाँ पर बिल्कुल भी फेयर कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर हमें M30s के अंदर 6000 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, और Redmi के अंदर हमें 4500 mAh की। नंबर से ही क्लियर हो जाता है कि सैमसंग का फ़ोन बेटर है, बट स्टिल इसके पीछे रीज़न भी ये है क्योंकि इसका एंड्रॉयड सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। बैटरी को लेकर बहुत सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं सैमसंग के अंदर, इसलिए इसका बैटरी पिकअप अच्छा है। सिर्फ बड़ी बैटरी होना भी इनफ नहीं होता, काफ़ी चीज़ें और चाहिए होती है। अगर फास्ट चार्जिंग की बात करूँ तो हमें दोनों फ़ोन में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। ऑटोमेटिकली भाई सैमसंग की बैटरी बड़ी है तो थोड़ा सा लेट चार्ज होती है, बट स्टिल मैं इतना बता सकता हूँ कि बड़ी बैटरी होने से आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा सैमसंग में। और वहीं पे ना Redmi की एंड्रॉयड ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये फ़ोन सिर्फ 1 दिन चलता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सुबह आप 8 बजे चलाते हो Redmi के फ़ोन को तो शाम को 6 या फिर 8 बजे तक आपकी बैटरी भी ख़त्म हो सकती है, ऐसा मेरे साथ पर्सनली हुआ है। तो हाँ, इन चीज़ों को देखकर चलूं तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ जाता है सैमसंग M30s, तो यहाँ पर भी सैमसंग विनर होता है। अब बात कर रहे थे कंक्लूजन के बारे में कि आपको कौन सा फ़ोन पिक करना चाहिए। एक चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गई होगी, अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस गेमिंग नहीं है तो सैमसंग ने बहुत ही अच्छा फ़ोन निकाला है। हाँ, बस ये दिखने में बेस्ट नहीं है, नहीं तो बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा फ़ोन माना जाता है। मेरे हिसाब से सैमसंग के इंजीनियर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी इस फ़ोन के ऊपर, इसलिए इतना बेटर है। ये नहीं कहूँगा Redmi बेकार है, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ अगर आपका सिर्फ गेमिंग पे पूरा ध्यान है और आपको एक अच्छा दिखने वाला फ़ोन चाहिए हो तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर सीधी बात ऐसी है, दोनों जो है बहुत ही जाने माने ब्रांड है इंडिया के अंदर, काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, बट सैमसंग ऊपर रहता है, तो आप इसको भी देख सकते हो। नहीं तो भाई Redmi तो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो हाँ, मैं Redmi Note 8 Pro पिक करता, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, मैं ज़्यादा कैमरे का इस्तेमाल नहीं करता फ़ोन में। तो ये थी मेरी चॉइस। आप मेरे को नीचे कमेंट्स बताना कि आप लोग क्या खरीदने का प्लान करोगे इन दोनों फोन में से। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज लाइक कर जरूर जाना, और सब्सक्राइब करके हमारी टैगिंग को ज्वाइन कर, हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।